नमस्कार, आप सबका एक और नए वीडियो में बहुत हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। आप सबकी जो सबसे ज़्यादा उत्सुकता की बात यह है कि मेन कैंपस में जिनका एडमिशन नहीं हो रहा, यानी जिनका नंबर बहुत कम है, अभी भी आप सभी अपनी उम्मीद को बांधे रखिए, क्योंकि मैं पहले से ही बता रहा हूँ जो आज का प्रोफार्मा था पूरा, अभी तक कुल मिलाकर बीएससी में जो बीएससी बायो हैं उसमें से 206 विद्यार्थी अभी तक अपना एडमिशन लिए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आज बीकॉम की भी काउंसलिंग हुई, बीकॉम में पहले दिन 193 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया, 25 एसटी कैटेगरी के, और जो भी और विद्यार्थी हैं वो ऑल कैटेगरी में एडमिशन लिए हैं। बीकॉम में 723 सीट है, बीएससी मैथ में 770 सीट है और 357 सीट है बीएससी बायो में मेन कैंपस में। तो जो भी छात्र छात्राएँ अभी इंतज़ार में हैं कि मेन कैंपस की कट ऑफ गिरेगी, तो 110% वो कट ऑफ ऑल कैटेगरी की अभी गिरेगी। इससे आप लोग स्पष्ट हो जाइए कि अभी भी इंतज़ार करते रहिए जब आपकी दूसरी कट ऑफ कब रिलीज्ड होगी। ये सवाल आपके जहन में रहता है कि बीएससी और बीकॉम वाले छात्रों के अंदर ये सवाल रहता है कि आपकी दूसरी कट ऑफ कब रिलीज होगी। ऐसे ही बीए वाले छात्रों के अंदर ये ऊहापोह की स्थिति है कि उनकी दूसरी कट ऑफ कब रिलीज होगी। तो बताई गई सूचना के अनुसार बात यहाँ पर ये है कि जैसे आज बीएससी बायो की काउंसलिंग समाप्त हुई, अब कल और परसों बीएससी मैथ की काउंसलिंग है, तो इस वजह से परसों यानी काउंसलिंग होने के 2 दिन बाद उनकी दूसरी कट ऑफ रिलीज होगी। आप सभी ये जान लीजिए, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसके पहले की जो प्रक्रिया होगी आपको 3 से 4 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी वजह से आपकी दूसरी कट ऑफ आपकी काउंसलिंग के खत्म होने के 2 से 3 दिन के बाद निकल जाएगी। बीएससी बायो वाले छात्र की कट ऑफ जो है वो परसों तक रिलीज होगी। इसके साथ साथ अभी बीकॉम की काउंसलिंग खत्म हुई है, यानी अभी चल भी रही है, 169 से ऊपर वाले विद्यार्थी अपनी काउंसलिंग को करवाएंगे, तो जो इनकी कट ऑफ है वो भी 2 दिन बाद रिलीज होगी। आप सभी बहुत परेशान न होइए, जितने भी अपडेट हैं, यानी कि जो भी छात्र छात्राएं कितने एडमिशन ले रहे हैं, कितनी सीटें खाली हैं, ये जानकारी आपको मैं डेली यहां से देता रहूंगा। उम्मीद को ना तोड़िए, ठाठस बांधे रखिए, हम आपके साथ हर एक स्तर पर खड़े हुए हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के छात्र हैं वो कॉलेज में भी पलायन न करें। अभी आपको कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि कॉलेजेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं, लेकिन जो छात्र छात्राएं बहुत आसपास अभी तक हैं उस क्राइटेरिया के, तो वो अभी टिके रहेंगे। जो कैटेगरी वाले छात्र हैं, जो ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, वो सब भी अभी कट ऑफ का इंतज़ार करिए कि किस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है। बहुत जल्दबाजी में आप लोग ऐसा निर्णय ना लीजिए कि आपसे मेन कैंपस में छूट जाए, मेन कैंपस भी आपसे छूट जाए और आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले लें, बाद में आपको पछतावा करना पड़े। हाँ, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपकी कैंपस में कट ऑफ आती है, तो वहाँ पर आप लोग जो है अपना दाखिला ले सकते हैं, वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा के, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। बहरहाल टीसी ने जमा करिएगा, अंडरटेकिंग का ऑप्शन लगा दीजिएगा, ये सारी सूचनाएँ आपके लिए थी। तो कुल मिला के जो मोटे मोटे तौर पर अभी तक बीकॉम में 193 एडमिशन हुआ है, पहले दिन कुल मिला के 723 सीटें हैं बीकॉम में, उनमें 193 एडमिशन हुआ है, यानी कि अभी भी आपके पास आधी से ज़्यादा सीटें बची हुई हैं। तो ऑल कैटेगरी की कट ऑफ अभी और नीचे जाएगी, इसी वजह से परेशान होने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ बीएससी बायो में कुल मिला के पहले दिन 85, दूसरे दिन 121, 206 विद्यार्थियों ने अभी तक अपना एडमिशन लिया है, उसमें 357 सीट है बीएससी बायोलॉजी में। तो इसी वजह से अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगी, कैटेगरी वाले अब अपना इंतज़ार करेंगे और बीएससी मैथ की काउंसलिंग कल से स्टार्ट होगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी कट ऑफ का वेट करिए, दूसरी कट ऑफ आपकी जल्द ही रिलीज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।